देख रहे हैं भारत रुसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता को देखते हुए आज बसपा के कद्दावर नेता हाजी अकरम अली ने सपा का दामन थामा। हाजी अकरम अली वार्ड नंबर 37 से मौजूदा सभासद हैं और आज उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा जिलाध्यक्ष राहुल यादव के नेतृत्व में सपा पार्टी ज्वाइन की। हाजी अकरम अली का कहना है कि मेरा बसपा में मेरा ज्यादा समय नहीं लगा, मैं इससे पूर्व में सपा में रहा, किसी कारणवश मैंने बसपा ज्वाइन की थी। आज अखिलेश यादव की लोकप्रियता और विकास कार्य को देखकर मैं फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मेरे साथ पूरा कुरैशी समाज भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का अच्छा सिपाही बनकर पार्टी को मजबूत करूँगा और सन 2022 में समाजवादी पार्टी की नीति के प्रचार और प्रसार कर बुलंदशहर की सातों विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अकरम अली सभासद के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। हाजी उमरुद्दीन कुरैशी, हाजी बाबू कुरैशी, सूफी जमील कुरैशी, हाजी नईम कुरैशी, हाजी असगर कुरैशी, इस्तखार पहलवान, डॉक्टर बाबू मुमताज, अनस कुरैशी, गुट्टू इस्लाम सैफी, सुभान कुरैशी, हाजी रिजवान नईम सैफी, नदीम हसीम कुरैशी, आरिफ भाई, युवेश कुरैशी, हाजी इदरीश कुरैशी, फुरकान फैजान, आश मोहम्मद, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही हाजी अकरम अली ने क्या कुछ कहा, देखिए खास बातचीत हमारे संवाददाता राशिद खान के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जहां आज एक वरिष्ठ नेता हाजी अकरम अली सभासद ने आज बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाजी अकरम अली मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके समझेंगे क्या है पूरा मामला सपा का दामन थामने के लिए। हाजी जी, जैसे कि आप काफ़ी लंबे समय से बसपा में रहे, ऐसा क्या हुआ जो एकदम आपने बसपा छोड़ दी? असल में लंबा ऐसा नहीं रहा, पहले भी मैं समाजवादी में था और हमारे अध्यक्ष जी राहुल भाई के साथ में 5 साल नगरपालिका और समाजवादी की राजनीति मैंने करी है। कुछ कारणों से मैं बसपा में चला गया था, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा था बसपा जो है वो बी पार्टी बीजेपी की बन गई है, तो इस सवाल पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हम उनके साथ जाएं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, आने वाला जो टाइम है वो समाजवादी का ही है और मुस्लिम जो हितैषी है वो समाजवादी है, तो उसमें हमारी पहले भी आशा थी और आज भी आशा है। अच्छा, आज जो आपके आने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, आपके साथ कितने लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा? ये आपके सामने सब यहाँ मौजूद थे, नगर के जो मौजूद हजरात हैं सभी यहाँ आए और सबों ने जो है समाजवादी में विश्वास रखा अपना और समर्थन दिया। नगर के सौयों हजारियों लोग जो हैं वो आज सपा में शामिल हुए हैं। अच्छा, सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि 2022 के चुनाव की बात करें तो उस तरह की आपकी किस तरह से मेहनतें होंगी या चुनाव लड़ने का आपने ठाना? हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे पहले ये बात हो चुकी हैं, अध्यक्ष जी से हमारी बहुत दिन से बात चल रही है, जितनी भी मेहनत हमसे की जाएगी इतनी करेंगे, जितने भी हमें सपोर्ट समाजवादी के प्रत्याशियों को की जाएगी वो सब करेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं वो आज के बाद में समाजवादी के साथ में रहेंगे, समाजवादी को वोट देंगे, समाजवादी को वोट दिलाएंगे। अब आपने ऐसा क्या देखा समाजवादी पार्टी जो अचानक आपने ज्वाइन करी? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उससे हम पहले भी मुतासिर थे और आज भी मुतासिर हैं। वो एक शानदार इंसान हैं, उनमें इंसानियत बाकी है और पढ़े लिखे इंसान हैं। सपा के पूर्व अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, वो काफ़ी अच्छे एक व्यक्ति हैं और काफ़ी लोग सुझाव समझते हैं वो, इसी के चलते इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं राशिद खान, संवाददाता भारत रफ्तार न्यूज़, बुलंदशहर।